ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। वे 63 साल के थे। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था। इसमें राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत 9 लोग सवार थे। हादसे में सभी मारे गए हैं। हादसा अजरबैजान के सीमा के करीब ईरान के वर्जे घन में शहर में हुआ था। रेस्क्यू टीम को अजरबैजान की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर का मलबा नजर आया था। ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है।